हेलो दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर 2016 के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखे थे, अब कुछ गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भी गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हम बताते हैं। वो तरीका क्या है कि आप लोग पहले गद्यांश को मत पढ़ा करिए। गद्यांश को पढ़ेंगे आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसको पैसेज को फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है? माँ रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश, माँ चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी माँ। लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रही हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है। दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? तो रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी माँ। हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गईं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए तो। तो रमेश ने क्या कहा? अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना। अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था माँ। अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है। और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है, उसकी माँ ने ऐसा कहा। आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखते। क्या है? मीना और रमेश हैं क्या थे परस्पर? तो मीना और रमेश क्या थे? परस्पर भाई बहन थे। क्या थे? इसका सही आंसर है भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी, कक्षा में अव्वल आ सकती थी। तो इसका सही आंसर है कि रमेश की परीक्षा नजदीक थी और वह पढ़ना चाहता था और उसकी बहन उसको पढ़ने नहीं दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है खेल को छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। तो ये सब तो देखिए आप लोग अपने उससे आंसर दे सकते हैं कि क्या जब हम लोग की कक्षा में प्रथम आने के लिए, ये तो जरूरी नहीं कि हम खेल कूद छोड़ दें, रात दिन पढ़ाई करें, या पढ़ाई के दिन में ही परिश्रम करें और बाकी दिन ना करें। तो इसका सही आंसर है कि शुरू से नियमित पढ़ाई करना। हम लोग को शुरू से, हम लोग को जब हम लोग का एडमिशन होता है या हम लोग जब से कक्षाएं जाना प्रारंभ करते तभी से हम लोग को थोड़ा थोड़ा नियमित डेली पढ़ाई करना चाहिए। इससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट रहता है और जो जो पढ़ाया जाए हम लोग उसको डेली रिविजन करते रहे, तो इससे हमारा क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का कोई समय है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। तो इसका क्या है कि यह समय पढ़ने का नहीं है, इसका आशय यही है कि यह समय पढ़ने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। जो शब्द शेष से भिन्न हो क्या है? प्रथम अव्वल फर्स्ट परीक्षा। तो देखिए प्रथम भी वही, अव्वल फर्स्ट, तो ये क्या है इसमें सबसे भिन्न क्या है? परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी, रट्टू तोता। तो रट्टू तोता विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर तुम का भाव क्या है? पर तुम का भाव है पर तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या है? पर तुमने ध्यान नहीं दिया, इस ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, दिल्ली, फतेहपुर, आगरा। तो अकबर का जन्म अमरकोट जो क्या है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत निकट आने के लिए मुहावरा है, तोता रटंत, पास आना, सर पर आना, अव्वल आना। तो इसका सही आंसर है बहुत निकट आने का है सर पर आना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या 115 से 120 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है हम लोग आइए पढ़ते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुबीतों में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। कितना अच्छा पद्य था। आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। क्या है? कुछ भी कहा नहीं जाता, ऐसा क्यों? क्या है कुछ भी कहा नहीं जाता? बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतरी घाव के कारण, साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। क्या है कि बंधन और बेबसी के कारण। काव्यांश में कवि क्या कहते हैं कि बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी नहीं कहा जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है किसकी, घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधा की, कुछ भी न कह पाने की, विवशता की। तो कविता की पंक्तियों में किसकी बात कही गई है, कुछ भी न कह पाने की, विवशता की बात कही गई है। रीते शब्द में भाव है परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का, अपनेपन का, तो किसका है, रीते शब्द से भाव खालीपन का है। वाक्यांश में काव्य साधन सुविधा में ज्यादा ही रीते हैं, स्पष्ट है कि रीते शब्द का आशय खालीपन से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, कविता की पंक्तियों के आधार पर यह कहा गया है कि कवि घाव के गहरे होने से दुखी है। कवि शरीर के आंतरिक घाव की बात करते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते लेकिन वो अंदर से बहुत बड़े होते हैं, उनको अंदर ही अंदर बहुत घाव देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्योढ़ी का अर्थ है, ड्योढ़ी देहरी दरवाजा चौखट घर, तो ड्योढ़ी का अर्थ होता है चौखट। जैसा कि पहले हम लोग गांव में जो रहते थे वो जानते हैं, सुने होंगे कि ड्योढ़ी को चौखट की ड्योढ़ी मत लांगो या ड्योढ़ी पर शाम के टाइम नहीं बैठा जाता, ऐसा गांव में बहुत सारी औरतें यूज करती हैं। नेक्स्ट क्या है, भीतर के घाव से तात्पर्य है घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट, शारीरिक क्षति। तो क्या है, भीतर का घाव किससे, हृदय की पीड़ा। वाक्यांश के भीतर के घाव से तात्पर्य हृदय का पीड़ा। कवि बाहर से तो हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, लेकिन अंतर्मन से सदैव भयानक पीड़ा से ग्रसित रहता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।